बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड। वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कंप्यूटर साइंस। यू नो वेरी वेल, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट इज़ यूज्ड टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शंस। वी कैन ऑल्सो स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन द कंप्यूटर्स मेमरी। Nowadays, computers are used in almost every field of life for different purposes. We are going to start chapter number 5, which is named as computer architecture. First of all, you need to know what is meant by architecture. Basically, architecture is an art of designing the structure of something. किसी भी चीज़ के structure को design करने का fun, इसे हम कहते हैं architecture. And if we talk about computer architecture, तो ये एक ऐसा आर्ट है जिसके ज़रिए हम यूज़र की नीड्स का पता लगा सकते हैं। वी कैन डिफाइन कंप्यूटर आर्किटेक्चर एज इट इज़ द आर्ट ऑफ डिटर्मिनिंग द नीड्स ऑफ द यूजर्स। इट इन्वॉल्व्स इंस्ट्रक्शन सेट, लॉजिक डिज़ाइन, आर्किटेक्चर डिज़ाइन एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, देन द आर्ट ऑफ डिज़ाइनिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग इज कॉल्ड आर्किटेक्चर। And we use different programs for designing the structure of something, where program is a set of instructions that are given to the computer to solve a problem. हम different software use करते हैं computer architecture में। Here we introduce a term language translators, but first of all we must understand the languages of each other. जब भी हम एक दूसरे से communicate करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें एक दूसरे की लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। अगर हम एक दूसरे की लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो हम एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। वी कैन कम्युनिकेट इन उर्दू लैंग्वेज, इन इंग्लिश लैंग्वेज और इन एनी अदर लैंग्वेज दैट वी कैन अंडरस्टैंड। सिमिलरली, कंप्यूटर हैज़ अ लैंग्वेज विच इज़ कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर हमेशा मशीन लैंग्वेज को ही अंडरस्टैंड करता है, इसलिए कंप्यूटर में एंटर किया गया डाटा सबसे पहले मशीन कोड में कन्वर्ट किया जाता है। जब भी हम कंप्यूटर में कोई डाटा एंटर करेंगे किसी भी लैंग्वेज में, तो सबसे पहले उसको डाटा मशीन कोड में कन्वर्ट किया जाएगा। आफ्टर दिस कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड आवर प्रॉब्लम एंड देन सॉल्व आवर प्रॉब्लम। एंड इफ वी टॉक अबाउट लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, दीज आर द प्रोग्राम्स दैट कन्वर्ट्स एनी अदर लैंग्वेज इनटू मशीन कोड। ये ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो किसी भी लैंग्वेज में एंटर किए गए डाटा को मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं। So we can define language translators as these are the programs that translate a high level or low level language into machine code. It means that ऐसे programs जो high level और low language में लिखे गए program को machine code में translate कर दें, तो ऐसे programs को हम कहते हैं language translator. In the previous lecture we have discussed about high level and low level languages. High level languages are near to human language and low level languages are far away from human language. High level language को understand करना easy होता है, for example basic, COBOL, Fortran, Java etc. These are the examples of high level languages and we can easily understand these types of languages. And low level languages are far away from human language. It is difficult to understand. Assembly language and machine language are examples of low level languages. But the program written in any language firstly converted into machine language, because computer can understand only the machine language, and any program that is entered into the computer firstly translated into machine code. Machine code means the program in the form of 0 and 1. कंप्यूटर में एंटर किया गया कोई भी प्रोग्राम सबसे पहले 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। इस फॉर्म को हम मशीन कोड कहते हैं। कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूटेड दिस टाइप ऑफ डाटा डायरेक्टली, सो दैट्स व्हाई प्रोग्राम रिटन इन एनी लैंग्वेज फर्स्टली ट्रांसलेटेड इनटू मशीन कोड बाय यूजिंग द लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 मेन टाइप्स विच आर नेम्ड एज Assembler, Compiler and Interpreter. We will discuss these translators one by one. Here we talk about Assembler. This is a program that translates an assembly language program into machine code. ये एक ऐसा program है जो assembly language में लिखे गए program को machine code में translate कर देता है।
असेंबली लैंग्वेज में हम जो कमांड्स यूज़ करते हैं उसको निमोनिक से रिप्रेजेंट किया जाता है। निमोनिक्स आर द शॉर्ट नेम्स, ये कोई भी शॉर्ट अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं दैट आर यूज्ड इन असेंबली लैंग्वेज। सो द प्रोग्राम दैट इज़ रिटन इन असेंबली लैंग्वेज इज कन्वर्टेड इनटू मशीन कोड और इन द फॉर्म ऑफ जीरो एंड वन बाय यूजिंग एन असेंबलर। वी कैन ऑल्सो से दैट असेंबलर इज़ अ ट्रांसलेटर दैट ट्रांसलेट्स द प्रोग्राम्स ऑफ असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन कोड। असेंबली लैंग्वेज में जितने भी प्रोग्राम लिखे जाते हैं उनको मशीन कोड में या जीरो और वन की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम असेंबलर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज कंपाइलर। दिस इज़ अ प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट्स अ सोर्स प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो दैट व्हाट इज सोर्स प्रोग्राम। दिस इज़ अ प्रोग्राम दैट इज़ रिटन इन अ लैंग्वेज अदर देन द मशीन कोड। मशीन कोड के अलावा किसी भी लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को सोर्स प्रोग्राम कहा जाता है। मोस्टली हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम्स को भी सोर्स प्रोग्राम कहा जाता है। तो सोर्स प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज या मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए हम जो ट्रांसलेटर यूज़ करते हैं दिस इज़ कॉल्ड कंपाइलर। अ प्रोग्राम दैट इज़ रिटन इन अ सोर्स प्रोग्राम कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू मशीन कोड और इन द फॉर्म ऑफ जीरो एंड वन बाय यूजिंग अ ट्रांसलेटर विच इज़ कॉल्ड कंपाइलर। सो वी कैन से दैट दिस सोर्स प्रोग्राम्स और द प्रोग्राम्स दैट आर रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेजेस कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू मशीन कोड और इन द फॉर्म ऑफ जीरो एंड वन बाय यूजिंग अ ट्रांसलेटर विच इज़ नेम्ड एज कंपाइलर। ऑल द प्रोग्राम्स रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेजेस आर ट्रांसलेटेड इनटू मशीन कोड एंड देन कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट दीज टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स। नेक्स्ट इज इंटरप्रीटर। दिस इज़ द थर्ड टाइप ऑफ ट्रांसलेटर। एंड इंटरप्रीटर लुक्स एट ईच लाइन ऑफ द प्रोग्राम, decides what each line means, checks it for possible errors and then executes that line. ये एक ऐसा ट्रांसलेटर है जो प्रोग्राम की हर लाइन को चेक करता है कि लिखी गई लाइन अपने सिंटैक्स में है या नहीं। decides what each line means, ये डिसाइड करता है कि हर लाइन का क्या मतलब है। गिवन लाइन इनपुट में है या आउटपुट फॉर्म में है। checks it for possible errors, ये इसमें उस लाइन में दिए गए पॉसिबल एरर्स को चेक करता है, डिटेक्ट करता है और पॉसिबल हो सके तो उसकी करेक्शन भी करता है। एंड देन एग्जीक्यूट्स दैट लाइन, और इस सारी चेकिंग के बाद वो लाइन एग्जीक्यूट कर दी जाती है। इफ़ वन ऑफ द लाइन इज़ एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली इट मस्ट बी स्कैन एंड एनालाइज्ड ईच टाइम बाय यूजिंग दीज टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर्स। A program written in any language can be translated into machine code and then executed. You have to learn all these types of translators and I hope you will give your best. Thanks to all of you for your cooperation. Allah Hafiz.